दोस्तों मैं भी टॉस कोहली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग। इस बार पोस्ट नहीं, प्री मैच एनालिसिस। दोस्तों इस बार जो एनालिसिस लेके आए वो लेके आए डोमिनिक थीम के ऊपर। जो थीम का मैच है उनका मैच होने वाला है, वो भी यूरोपियन ओपन में खेल रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे थे पिछले टूर्नामेंट में, अच्छा प्रदर्शन किया। आगे जो ओपन में फिनाले तक गए, और अगर वो ऐसा ही रन करते रहे तो ग्रैंड स्लैम के कंटेंडर बन सकते हैं। दोस्तों प्री मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले एक बार फिर से ये बता दूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो, ताकि आपको सारी सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके पोस्ट मैच एनालिसिस के रिगार्डिंग, प्री मैच एनालिसिस के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के रिगार्डिंग और अदर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। दोस्तों प्री मैच एनालिसिस में बढ़े तो देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड में इनका अभी तक कोई मैच नहीं हुआ। जो इनके अपोजिट प्लेयर हैं वो उनको भी वाइल्ड कार्ड मिला है, वो बेल्जियम के प्लेयर है, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। डबल्स में अभी हाल ही में टाइटल जीत के आए हैं, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका नाम है माइकल गिट्स। और वो चाहेंगे कि बढ़िया प्रदर्शन करना अपने होम क्राउड जाए, और थीम भी यही चाहेंगे कि बढ़िया प्रदर्शन करना। अभी इन दोनों के बीच में हेड टू हेड का कुछ भी नहीं हुआ है। अगर इनके प्रीवियस मैचेस देखा जाए तो प्रीवियस मैचेस में जो इनका मैच हो रहा थीम का वो था रूबलेव के साथ मैच, जिसमें वो हार गए थे विद इन टू स्ट्रेट सेट्स में। तो वो चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करना और इस बार थोड़ा आगे तक जाए, पिछली बार तो फिनाले तक गए थे, इस बार थोड़ा ओवर आगे का मतलब है कि फिनाले की ट्रॉफी अपने पास ले आए। बट आसान नहीं है रहा, वो चाहेंगे ऐसा करना क्योंकि धीरे धीरे वो फॉर्म अपनी वापसी आ रही है। अभी वो 27 ईयर्स के ही है, और तो थीम तो चाहेंगे बढ़िया प्रदर्शन करना। दूसरी ओर देखा जाए माइकल, माइकल भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकल प्लेयर है, होम ग्राउंड प्लेयर होंगे, उनके होम फेवरेट भी होंगे, और ऊपर से अभी डबल्स में खेले थे, डबल्स में टाइटल जीता भी, चैलेंजर में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, अच्छा प्रदर्शन करते हैं ज़्यादातर। अभी उन्होंने चैलेंजर खेले हैं, ATP 19268 है, क्योंकि चैलेंजर खेले हैं, चैलेंजर में इतने पॉइंट्स मिलते नहीं हैं, ATP में ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन करते हैं पहले हेड टू हेड में। दूसरी ओर थीम ATP रैंकिंग 132 में आ रहे हैं, 150 से अब बिलो आ रहे हैं, तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो चाहेंगे कि ऐसा अपना रन कंटिन्यू रखें ताकि वो अगले जो टूर्नामेंट्स में उन्हें थोड़ा फायदा हो, ताकि सीधे ये नहीं हो पहले वाइल्ड कार्ड लेना पड़े या कुछ लेना पड़े। वाइल्ड कार्ड उन्हें मिल जाता था क्योंकि ग्रैंड स्लैम चैंपियन थे, बट हर टूर्नामेंट में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वो चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपनी रैंकिंग रिजर्व करें, जैसे एंडी मरे शुरू में वाइल्ड कार्ड ले रहे थे बट उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके टॉप 50 के अंदर जगह बनाई। तो इस बार यही डोमिनिक थीम भी चाहेंगे, यूरोपियन ओपन में पहला राउंड उनका ये माइकल के साथ हो, तो चाहेंगे कि बढ़िया प्रदर्शन करना। दोस्तों आपको क्या लगता है कि थीम कैसा प्रदर्शन करेंगे? जो भी आपको लगता है आप अपनी राय दें, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार देते रहो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।